सो नमस्कार दोस्तों, टेक राइट प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि आईफोन सभी लोगों को चलाने का मन करता है, लेकिन आईफोन कॉस्टली और महंगा होने की वजह से हम उसे परचेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 60-70 या 1.5 लाख रुपए में आते हैं, इसीलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों, जब आपका एंड्रॉइड या आईफोन बन जाए तो कैसा लगेगा दोस्तों, चौंकने वाली बात है ना। मैं इस वीडियो के सामने आपके सामने अभी देख सकते हो, मेरे पास ये एक एंड्रॉइड फोन है, इसको ही मैं बिल्कुल आईफोन में बदल के दिखा दूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये एंड्रॉइड है या आईफोन, आपके सामने कुछ ही मिनटों में कर पाऊंगा और आप भी कर पाइएगा। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट कर देना है, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल तबाही सा होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सेट करना, ताकि आप सबको नए वीडियो की जानकारी मिल पाए। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग ना अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन बना पाए, और साथ साथ या कमेंट के अंदर एक प्यारा से कमेंट कर देना है या ना इस वीडियो लेके आपको फीडबैक दे देना है। तो बस ये छोटी सी काम कर लेने के बाद चलिए, क्या ट्रिक है जिसके जरिए कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को ये आईफोन बना पाइए, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, कुछ ही मिनटों में कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने फोन के अंदर ना एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आईफोन को तो ऐसे ही नहीं बना सकते हो, लेकिन उसका फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो ना नेट को बंद कर देता हूं, नहीं तो बार बार एड जो है ना आते ही रहेगा। जैसे एड खत्म हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, फिर आपके सामने कुछ परमिशन मांगेगा आईफोन 13 लॉन्चर के लिए, तो यहां पर अलाउ कर देना है, दो बार मांगेगा परमिशन अलाउ का, तो कर देना है। फिर यहां पर मिलेगा आपको एग्री का, यहां पर देखिए एग्री पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहां पर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप के लिए आपको एक परमिशन मांगेगा, तो दे देना है। फिर आपको एग्री पर क्लिक कर लेना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए भी परमिशन देना है, तो परमिशन देके सिंपली आपको बैक आ जाना है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए एक टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है, और यहां पर देखिए टिक नहीं हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, टिक हो गया, तो ओके पर फिर आपको क्लिक कर देना है, तो सिंपली ये बैक आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको बता रहा है कि फुल स्क्रीन रखना चाहते हो या आधा पर ही, तो मैं फुल स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, तो फुल स्क्रीन रखूंगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये लॉन्चर आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो शुरू में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहां पर कि आपको सेट एस डिफॉल्ट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके आप आपका लॉन्चर चेंज कर लेना, आपका पोको रहेगा अगर जो फोन हो, मेरा पोको का है तो पोको वाला है, तो कर देना आईफोन 13 लॉन्चर पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको यहां पर क्लिक कर लेना है, यहां पर ऐसे ही स्वाइप डाउन स्वाइप अप करने के लिए टच वाला कहेगा फीचर, तो इसे आपको स्किप करना है, कर करके जहां पर टच कहेगा करने के लिए कर देना है। तो ये बस एक ऐसे ही ले लेता है, शुरू में आपका टेस्टिंग कराता है या आईफोन वाला फीलिंग दिलाता है आपको। तो आपके सामने ये देखिए फाइनली हो चुका है एक्टिवेट फोन के अंदर आईफोन वाला सिस्टम, बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ और फीचर इसमें एक्टिवेट करना है, कुछ फीचर को बंद कर लेना, ये बिल्कुल आपके आईफोन की तरह हो जाएगा। तो ऊपर देखिए नोटिफिकेशन भी सेम उसी की तरह है, इधर मैं करता हूं, ये देखो यार ये वाला सीन तो गजब का ही लगता है यार, मजा ही आ जाता है देख के। तो यहां पर देख लीजिए, इधर कर लेना है, और ये जो है यहां पर आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो ये देखिए बिल्कुल यहां पर जो होता है आपका दिया हुआ ये वाला है, जो एसेसरी टच वाला दिया होता है, तो ये चाहो तो आप रख भी सकते हो, जैसे कि आप आईफोन में देखते होगे, हर आईफोन में ये वाला देखने को मिलता है, तो इसे चाहो तो आप रख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं मन हो तो नहीं भी रखे। तो यहां पर देखिए आपको आईफोन वाले एप्लीकेशन पर आना है, और यहां पर मिलेगा एसेसरी टच, तो यहां पर इसी सेटिंग को बंद कर देना है, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही होगा खत्म तो ये हो गया, अब देखिए ये आपके फोन में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन और कुछ यहां पर करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो जैसे आईफोन पर एक देखते होंगे कि लॉक बड़ा ही मस्त सा रहता है, पिन वाला और पैटर्न वाला, वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहां से देखिए आपको लॉक स्क्रीन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहां पर आपका पिन वाला मिलेगा पैटर्न वाला, तो यहां पर मैं पैटर्न वाला रख लेता हूं। तो यहां पर जो भी आप देना चाहते हो लॉक दे दीजिए, कंफर्म करने के लिए डन कर देना है। तो ये हो चुका है, यहां से बैक आइए, और यहां पर देखिए काफी सारे फीचर है, तो इसमें जो चाहो आप अपना जो है चेंजेस कर सकते हो। इसमें तो एक फीचर आईफोन में तो और भी ज्यादा मस्त लगता है यार,
हाइड ऐप का रहता है, जिस पर कि अगर आप हाइड ऐप पर जाते हो, प्लस पर क्लिक करते हो, तो यहां से ना आप डायरेक्टली ऐप को हाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे करना नहीं है तो मैं यहां से बैक आ जाता हूं। तो ये देखिए आप मेरा जो फाइनली मैं अगर आईफोन को बंद भी करता हूँ और मैं अपने लॉक को खोलता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल आईफोन वाला आ गया यार, फीचर मजा ही आ जाता है। लेकिन अभी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ और फीचर इसमें एक्टिवेट कर लेना है। जैसे कि ये देखिए मेरा जो ये वाला है बिल्कुल सेम वाला फीचर, एक आईफोन में चीज देखते होंगे दोस्तों कि वहां एक रहता है घड़ी वाला या परसेंटेज वाला, जो कि काफी ज्यादा जो है ना मस्त लगता है। तो यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक कर लेना और यहाँ पर ये देखिए परसेंटेज वाला मिलेगा, तो यहाँ पर ऐड विजिट कर दीजिएगा। तो ये देखिए हर आईफोन में ये देखने को मिलता होगा यार, कुछ ये चखुट्टा सा रहता है, मजा ही आ जाता है ये देख के। मतलब ये तो एक तरीके से लुक देता है बिल्कुल आईफोन वाला, तो ये दिया है तो पूरा लग रहा है यार। अब ये देखो दोस्तों बिल्कुल आपका जो फोन है वो बिल्कुल आईफोन बन चुका है, देख सकते हो दोस्तों, मजा ही आ रहा है। और ये देखिए आपको अगर ये वाला सेट करना है नोटिफिकेशन जो होता है ब्राइटनेस, यहां से देख सकते हो, एक बार जब आप शुरू कीजिएगा तो एग्री कहेगा करने के लिए, तो एग्री हो जाएगा तो फिर एक परमिशन मांगेगा तो दे देना है। फिर यहां से ना आप ब्राइटनेस का भी यूज कर सकते हो यहां पर, तो यूज करने में ना आप सबको मजा ही आ जाएगा यहां पर यार, दो सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब इतना भी ज्यादा मजा आ सकता है यूज करने में। लेकिन इसमें ये देखिए दोस्तों एक चीज और करना है यहां पर, जैसे कि एक चीज और क्या, मतलब सब कुछ तो हो गया लेकिन आईफोन वाला वॉलपेपर भी लगाना है। ये वाला भी आईफोन वाला ही वॉलपेपर है दोस्तों, लेकिन ये वाला मस्त नहीं लग रहा है, मुझे वो वाला चाहिए जो आईफोन में होता है। तो यहां पर देखिए आप जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हो आईफोन 13 वॉलपेपर, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन का यूज करता हूं किसी भी जो है चीज को सर्च करने के लिए। जैसे यहां पर देखिए आईफोन 13 वॉलपेपर है, गूगल में बड़ा दिक्कत होता है सर्च करने में, वहां पर सर्च करो डाउनलोड करने में बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, मतलब कोई भी फोटो को सर्च कर सकते हो। जैसे आईफोन 13 वॉलपेपर है तो यहाँ पर आओगे तो काफी सारे वॉलपेपर मिलेंगे, तो जैसे यहाँ पर देखते हो ये वाला वॉलपेपर आपको आईफोन में मिलता होगा देखने को, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करोगे ना तो ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और आप देखोगे तो गैलरी में आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखिए जैसे मैं आऊंगा गैलरी में तो ये देखिए मेरा ये वाला है जो डाउनलोड हो गया, तो ये वाला सबसे पहले मुझे लगाना है। तो सेट वॉलपेपर पर आऊंगा और यहां से अप्लाई पर क्लिक करता हूं और यहां पर कर देता हूं बोथ, सेट बोथ कर दूंगा ना तो स्क्रीन पर भी रहेगा और लॉक स्क्रीन पर रहेगा, जो कि काफी ज्यादा मस्त लगेगा। तो यहां पर देखिए कुछ सेटिंग होने में, लोड होने में, मतलब सेट होने में कुछ लोड लग रहा है, तो आपका भी लगेगा। तो ये फाइनली लग चुका है, अब देखो यार बिल्कुल आईफोन वाला सारा लुक आ चुका है, कोई नहीं पहचान पाएगा यार। मतलब आप अपने फ्रेंड को दिखाओगे तो बिल्कुल चौंक जाएगा, वो सोचेगा कहीं तुमने आईफोन तो परचेस नहीं कर लिया, बस आपको बैक का साइड को जो है ना लुका के रखना है यार, बाकी सारा फीचर मतलब मजा ही आ जाता है देख के। आप बिल्कुल इसे आईफोन की तरह यूज कर सकते हो, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिक किया बिल्कुल आईफोन वाला। तो इस वीडियो के अंदर यार इसी फीचर के बारे में बताना था, उम्मीद है कि आप सबको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो यार बस वीडियो यही था, उम्मीद है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।